शिवाय शिवजी ओम नमः सदा सहाय जय गुरुजी गुर गुरुजी आप हेल्प uh, करना क्योंकि मैं सोच के बैठी थी कि क्या बोलूं बट मुझे ब्लैंक uh, हो रहा है बट आई आई टू शेयर थ्री ऑफ माय सत्संग एंड थ्री ऑफ माय हस्बैंड ज्योतिन अंकल सत्संग Uh, उनका देहांत हो गया अभी गुरु जी के चरणों में है हम श्योर sure ये गुरु जी के साथ बैठे हुए हैं और गुरु जी ने कैसे हमको उनके साथ कनेक्ट किया मुझे क्या दिया ज्योतिन अंकल को क्या दिया परिवार को क्या दिया थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। 2013 में हमारे ज्योतिर अंकल को डायग्नोस हुआ था एक कैंसर है कि ऐसा रेयर टाइप का कैंसर है और उनकी कोई दवाई नहीं थी उस टाइम शायद अभी भी नहीं है और उस टाइम गुरुजी ने जैसे हाथ पकड़ के हमें लाना था गुरुजी की शरण में आना था हम लोग गुजराती है तो हमें तो पता भी नहीं था कि गुरु गुरुद्वारा क्या होता है वो हमें नहीं पता और गुरु क्या है और दिल्ली तो हम गए ही नहीं कभी तो फिर भी ज्योतिन uh, पहले से शिव भक्त थे और वो अमृत्युंजय मंत्र और शिव जी के बहुत वो करते रहते थे मंत्र तो मैंने तो कभी मेरे लाइफ में दिया भी नहीं जलाया था एंड आई वुड नॉट इवन गो टू टेम्पल में शायद होली या कुछ खेलने के लिए चली जाती थी बट कुछ पूजा पाठ तो कुछ भी नहीं करती थी उस टाइम बट जब ये ज्योति अंकल का डायग्नोस हुआ तो उसके बाद एक साल तक मैंने Uh, गायत्री मंत्र किया था वो सुबह आज चार बजे उठ के आठ बजे तक सो फोर आवर्स एवरी डे विदाउट लाइक नॉन स्टॉप एवरी सिंगल डे और उससे एक साल तक भी uh, वो कैंसर बार बार वापस आ रहा था जब उनकी सर्जरी एक बार रिमूव करके um, निकाल देते थे सेकेंड टाइम वापस आया थर्ड टाइम जब डॉक्टर ने बोला कि इट वॉज डिसम्बर टू कि बोला कि अब हमें सर्जरी नहीं कर सकते और uh, कीमो और जो भी दिया है हमने उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत आ रही थी और कह रहे कि अभी ये ऑर्गन निकाल देना पड़ेगा उनकी जो इंटेस्टाइन में था और बैग रख के और जो भी ट्यूब है वगैरह इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एंड और के बाद भी इट्स अ काइंड ऑफ स्लो डेथ कह रहे कि ये अपने आप हर जगह फैलता है इस तरह का क्योंकि कीमो इफ़ेक्ट ही नहीं कर रही है आस, कुछ उसका हो नहीं रहा है बट दस ऑल दे कैन डू और तब भी मैंने कहा कि माता रानी मैं चार घंटे से ज़्यादा uh, मैं क्या करूँ और क्या कौन सा दरवाजे पे जाऊँ कि जहाँ पे कुछ uh, मेरे हस्बैंड की कुछ हो सके अब उन उन्होंने ये बॉडी दिया है तो ऐसा ही बॉडी हमें एन्जॉय uh, करने के लिए दिया है इस जगत में आए हैं तो लेट इम एन्जॉय ही वाज इन हिज फोटीज़ एंड मैंने बस वही ऊपर देख के बोला कि भगवान मुझे कुछ रास्ता दिखाओ अगर ये रास्ता पे इतना ही मुझे मिल सकता है तो कुछ और रास्ता दिखाओ ऐसा मैंने अपने आप था एक आई और हॉस्पिटल में ही थी मैं और उसी टाइम हॉस्पिटल में आ, से घर आई तब तक गुरु जी ने मेरी आवाज़ सुन ली थी और मुझे आ, अनुराग अंकल का मैसेज आया था शायद यहाँ आए हैं कि नहीं आए मुझे, मुझे नहीं पता आंटी अनु आ, और अनुराग अंकल वो इंडिया से उनको यहाँ ट्रांसफ़र गुरु जी ने पहले से करा दिया था तो उनका मैसेज था मेरे पे कि हम लोग रेंटल ढूँढ रहे हैं अमर रियल्टर तो मुझे हेल्प कर लाइक चाहिए तो मैंने कहा कि चलो छोटा सा रेंटल है क्या इतना भी भागा दौड़ी नहीं करते मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ गई हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में सुनाती हूँ बट आई थिंक दिस इज़ वट गुरु जी वांट्स मी टू सही हाउ वी गेट कनेक्टेड तो तब हमने मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई हेल्प मांग रहा है तो कर देते हैं पर ये अंदर बैठ के गुरुजी ही बोल रहे थे कि तुझे हेल्प करनी है और जब मैं उनको मिलने गई तो उन्होंने बोला कि हम आँ, अंजना आंटी की कज़िन भी रियल्टर है बट उन्होंने फॉर सम रीज़न मुझे चूज़ किया मेरा कार्ड कहीं पे देखा था और ये सब गुरुजी की मैं इसलिए बता रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें कि ये गुरुजी का तरीका होता है कि कैसे वो हमको कनेक्ट करना चाहते हैं और आ, उन्होंने दो दिन में सब फाइनलाइज कर दिया तो दो दिन के बाद मैंने बोला कि चाबी लेने आना है इस दिन तो उस दिन भी हॉस्पिटल से मैं लेट आई थी और मैंने कहा सॉरी मेरे मेरे लेट हो गया क्योंकि न्यूयॉर्क से आ रही हूँ और मेरे ट्रैफिक बहुत मिल गया और मेरे हस्बैंड वहाँ पे हॉस्पिटल में है तो अंजना आंटी कह रही कि क्योंकि सब कुछ ठीक है मैंने कहा नहीं ठीक नहीं है और मैं पर्सनल बात किसी को तब तक कभी किसी को नहीं बताती थी और अपने क्लाइंट्स को तो कभी नहीं बताती थी कि अम, मेरे हस्बैंड को क्या है कि मैं कहाँ से आ रही हूँ बट अपने आप जैसे सरस्वती देवी को मेरी जीप पे बिठा के गुरु ने बुलवा लिया उस दिन कि हाँ मुझे हेल्प चाहिए और ये डॉक्टर के पास कुछ इलाज नहीं है और भगवान को ही कुछ करना पड़ेगा ऐसा मैं बोली तो मुझे लगा कि यहाँ पे दर इज़ समथिंग रॉन्ग ऑन माई टंग मैं ऐसा कभी किसी से बोलती नहीं हूँ अपने आप बोले जा रही हूँ और ये तो स्ट्रेंजर है मैं दो दिन से उनको जानती हूँ वाई वुड आई टॉक टू समबड़ी अबाउट माई पर्सनल एंड अंजना अंजनाडी ने तभी राइट अवे मुझे पार्किंग लॉट में ही हम लोग खड़े थे घर के बाहर और बताया कि तभी तो गुरु ने हमें दिल्ली से यहाँ भेजा है तेरे लिए अब तेरे तेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा तो मुझे लगा कि ये इंसान नहीं बोल रहा है एक भगवान ऊपर से मेरे से बात कर रहा है मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ ये इंसान नहीं हो सकता ये बड़े बड़े डॉक्टर जो मुझे आज दिन में कह रहे थे उससे तो ये कुछ अलग ही बात है और इतने कॉन्फिडेंस से मुझे कह रही है कि तेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा और उस टाइम मुझे अंदर से वो जवाब आ गया कि मैं जो डोर मैं ढूंढ रही थी आज ही वो मुझे मिल गया आई I मीन mean, मुझे नहीं पता गुरु जी क्या है कि ये कहाँ पर लेके जाएगी मुझे तब तक नहीं पता था बट एक सुकून सा मिल गया था कि आई आई एम सेफ है मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा और उन्होंने न्यू ईयर का दिन था Uh, एक वन वीक बिफोर नहीं न्यूयॉर्क का ही दिन था तभी बोला कि हम लोटा ब्लेस करके इंडिया से मंगवाएंगे और लोटा लेने के लिए सत्संग में आ जाना तो फर्स्ट टाइम वी आई वाज गोइंग टू गो एंड जो दिन तो एक साल से कहीं हम लोग हमारे साथ कहीं आ नहीं रहे थे एक साल से वो घर पे ही रहते थे क्योंकि उनकी कीमो के बाद uh, कान में लाइक uh, uh, like, कुछ कुछ ऐसे ट्वेंटी आवर्स कुछ uh, सुनाई दे uh, देता था उनकी uh, लाइक विथ कीमो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया होगा तो मेडिकेशन लेके घर पे ही सोते रहते थे और उनको uh, वो ड्राइव भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका हाथ लाइक um, लॉक like हो जाते थे फिंगर तो अगर स्टेयरिंग व्हील पकड़ो तो वो भी लॉक um, हो जाते थे वज़ नॉट सेफ़ टू ड्राइव और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे तो वो उन्होंने ड्राइव करना भी छोड़ दिया था और बाहर जाना किसी से बात करना क्योंकि वो सुनने के साथ उन्होंड uh, भी बहुत हो जाता था तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे हैं मैं जा रही हूँ तो गुरुजी ने जैसे उनको बुलाना था मैं घर गई बच्चों को छोड़ा न्यूयॉर्क का दिन था तो कहीं और हम लोग गुजराती संगत में गए थे वहाँ से मैं गई घर और मैंने कहा चलो अभी इलेवन इलेवन थर्टी हुए थे रात के तो मैंने कहा अब वहाँ पे चली जाती हूँ लोटा लेने के लिए और मैं देख रही हूँ कि वो तैयार धीरे धीरे हो रहे हैं जो दिन और मेरे को बोले कि मैं तेरे साथ आऊँगा मेरे को मेरे चेहरे पे इतनी खुशी आई कि ये एक साल से मेरे साथ कहीं भी जाने जाने की बात भी नहीं की और गए भी नहीं जस्ट डॉक्टर के पास जाते थे और घर आते थे और ये मुझे कह रहे कि मैं तेरे साथ आऊँगा तो इतनी खुशी हुई उस दिन गुरु जी ने हमें बुलाया और हम लोग जब पहुँचे तो एक लाइक ऑलमोस्ट सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ था मंत्र जाप हो रहा था या पता नहीं हम लोग जब गए थे मुझे इतना याद है कि हमने माथा टेका और लंगर किया और जो डांस कर रहे थे ना ऐसे ही, संगत डांस कर रही थी तो मैंने देखा कि ये कुछ जन्नत में हो ऐसे फीलिंग आ रही थी वो सबको देख के तो मैं भी अंदर चली गई और मैं पहले से भी मैं डांस मुझे अच्छा लगता था तो आई आई ऑल्सो डांस विद गुरु संगत और उस दिन गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को एग्जैक्टली सेवन इयर्स का एक्सटेंशन दे दिया था वो बाद में मुझे पता चला बट उसी दिन गुरु जी ने वो दिन चूज़ किया होगा अब बट मुझे सरप्राइज़ रखा था हमको कि कितना एक्सटेंशन दिया है वो हमको नहीं पता है क्योंकि गुरु जी चाहते थे कि हम वो हमारी लाइफ बहुत एन्जॉय करें जो यू नो सात जन्मों में भी नहीं एन्जॉय कर सकते इतनी हमें एन्जॉयमेंट देने देना चाहते थे गुरु जी आई विल जस्ट शेयर लाइक थ्री ऑफ माय सत्संग विच इज आज रामनवमी है तो गुरु जी ने मुझे क्या दिखाया था जो राम जी की स्टोरी में आता है जो राम जी ने की स्टोरी जिन्होंने सुनी है मोस्टली आप हम सबने सुनी होगी कि राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी जब जंगल में गए थे तो एक हट उनकी रहने रहने के लिए थी और सीता माता के सामने लक्ष्मण जी ने एक रेखा बनाई थी कि वो रेखा के बाहर मत जाना Uh, क्योंकि उसके बाद वो रावण आया था और सीता माता उनको कुछ प्रसादियाँ जो भी देने के लिए भी दे, देने के लिए बाहर गई थी पर वो अंदर नहीं आ सकता था ऐसा कुछ रेखा बनाई थी कि रावण अंदर नहीं आ सकता था लक्ष्मण रेखा तो ये मैं रिलेट इसलिए कर रही हूँ कि 2016 में मेरा डांस परफॉर्मेंस था दो दिन पहले मुझे आरती आंटी जो जो एडिसन मंदिर में थी उस टाइम उन्होंने बोला कि तो डांस तुम्हें तो डांस करना है मैंने कहा ठीक है मैं कभी मना नहीं करती थी बिकॉज आई आई जस्ट लव टू डांस तो मैंने कहा दो दिन के बाद वो बोले कि पहला परफॉर्मेंस तुम्हारा होगा मैंने कहा ठीक है तो जब मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ खड़ी थी बाहर और अंदर आरती आंटी थी वो माइक लिए बोले जा रही थी और मुझे लगा कि मैं अंदर आके यहाँ खड़ी रहूँगी क्योंकि मेरा जब परफॉर्मेंस आएगा तो बीच में जाने के लिए मुझे टाइम नहीं था मेरा डांस इतना शॉर्ट था तो मैं यहाँ तक आना चाहती थी तो फॉर सम रीज़न यहाँ से मैंने ऐसे हाथ अंदर गया बट मेरे पैर अंदर नहीं जा रहे थे ऐसे यहाँ से ये यह टो तो अंदर नहीं जा रहा था और मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं यहाँ पे एक फायर की वॉल बनी हुई है और उसके अंदर तो मेरे पैर जा नहीं रहे तो मैं थोड़ी सी गुरु जी के सामने देखा कि गुरु जी मैं तो अंदर कैसे आऊँ यहाँ तो जलन हो रही है लाइक जैसे होली की फायर आ, सामने हो और आप अंदर तो जा ही नहीं सकते ऐसी फीलिंग आ रही थी और मेरा पैर थोड़ा सा भी आगे गया तो उसमें आवाज़ आती थी कि जैसे पापड़ी आप पापड़ आप आ, न, आग पे जैसे आप uh, सेकते हो ना तो ऐसी तड़ 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 ऐसी आवाज़ आई तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है गुरु जी मुझे समझ नहीं आ रहा बट आई हैव आई हैव सम काइंड ऑफ वॉल इन बिटवीन मी एंड यू कि कोई फायर की वॉल है मैं उसे क्रॉस नहीं कर सकती हूँ तो मैं डांस कैसे करूँगी वहाँ कैसे आऊँगी और, और आरती आंटी बोले जा रही है तो मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई कि गुरु जी डांस का तो फर्क फर्गेट अबाउट डांस मैं तो अंदर ही नहीं आ सकती और उसके बाद ये गुरुजी ने क्यों मुझे बताया मुझे नहीं पता बट uh, उसके बाद आरती आंटी ने बोला कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे आएंगे और गुरुजी का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएंगे तो मेरा टाइम नहीं आया था अंदर आने का शायद और गुरुजी मेरे से मजाक कर रहे थे क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता बट uh, उसके बाद उनका ख़त्म हो गया तभी भी मैं डरी हुई थी कि अब मेरा नाम बोलेगी और मैं अभी भी नहीं अंदर आ सकती तो मैंने फिर अंदर जाने की कोशिश की तो एक्चुअली मैं आ सकती थी उसके बाद वो जो बच्चे ने हैपी बर्थडे का सॉन्ग गुरु जी का गाया उसके बाद आई कुड लेटरली गो इन बट उससे पहले तो जैसे अगर मैं किसी में मुझे धक्का दे के अगर अंदर भेज दिया होता तो मैं भस्म हो जाती है ऐसा मुझे फीलिंग आती थी इतनी हीट आई कैन फील इतनी हीट कि मैं uh, जल जाके मेरा कुछ भी नहीं बचेगा ऐसा फीलिंग आ रही थी तो मुझे एक ही Um, लगता है कि गुरुजी अपनी और बहुत कम करके यहाँ हमारे लाइक uh, like बीच में आते हैं ऐसा मुझे लगता है वरना हम लोग उनको uh, उनके पास तो जा ही नहीं सकते इतने पास तो बैठ ही नहीं सकते ऐसे मुझे लगता है कि um, वो बहुत ही और उनकी जो है वो कम करके ही आते हमें ब्लेस करने के लिए आते दूसरी आई I मीन mean, थोड़ा सा शॉर्ट करोगे <laughs> Just... मेरा सत्संग थोड़ा चल चलना पड़ेगा Um, दूसरा भी मेरा एक है वो रिलेटेड टू डांस ही है दूसरा भी मेरा सत्संग है और वो है शिवरात्रि के दिन um, समरसर टेम्पल में मेरे को तांडव नृत्य um, लाइक गुरु ने उन्होंने ही चूज़ किया था कि मुझे तांडव करना है और एक ही परफॉर्मेंस था उस दिन um, तो मेरे को मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके गई थी और मेरे को हाथ में थाली लेके और लाइक उसमें से फ्लावर गुरुजी जैसे यहाँ खड़े हैं और उनको चढ़ाने हैं उनके चरणों में और उनके सामने आरती उतारनी है ऐसी मुझे आ, एक्ट करना था तो मैं यहाँ डांस कर रही थी और मुझे यहाँ देख के करना था बट फॉर सम रीज़न मैं यहाँ देख के कर रही हूँ और मुझे फीलिंग फीलिंग ऐसी आ रही है कि गुरु सामने यहाँ खड़े हैं और मैं उनको पैर पे फ्लावर्स चढ़ा रही हूँ उनकी आरती कर रही हूँ और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती और वो डांस का जो रिकॉर्डिंग uh, है आई I मीन mean, वो तो चलता चलता जा रहा था आगे तो मैं फिर घबरा गई कि गुरु अब मैं यहाँ से उठ उठ ही नहीं रही हूँ तो um, अब क्या होगा मुझे आप प्लीज़ हेल्प करो मुझे उठने दो मुझे uh, डांस करना पड़ेगा तो धैन ही लेट मी गो क्यों वो भी एक एक, एक पता नहीं वो वर्ड आई डोंट हैव एनी वर्ड्स बट इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग इज जस्ट अपनी भगवान के साथ जो फीलिंग है मुझे मेरे पास वर्ड नहीं है आई डोंट नो मेरा और सत्संग ज्यादा नहीं है मैं ज्योतिन अंकल का एक दो करूँगी <laughs> तो अब सेवन इयर्स हमने कैसे गुरुजी ने कैसे वन बाय वन हमें जो गिफ्ट दिए वो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले सत्संग में हम आए थे गुरुजी ने ज्योतिन अंकल के चेहरे पे स्माइल दी हम लोग पहला सत्संग करके जब घर गए तो उनके चेहरे पे जो मैं एक साल से नहीं देख रही थी वो स्माइल उन्होंने दी और वो स्माइल उन, उनको एवरी डे ने उसी दिन दे, दे दी थी फिर वंस अ वीक जब हम जाते थे एक दिन उन्होंने उनको ड्राइविंग भी वापस दे दी कि वो जो ड्राइव नहीं कर सकते थे वो अपने आप बोले कि आज मैं अपने आप जा रहा हूँ और जब भी हॉस्पिटल भी जाते थे तो उनको स्कैन में कोई कैंसर नहीं आता था उनका कैंसर जैसे वैनिश हो गया कोई डॉक्टर बता भी नहीं सकता था कि उनको कुछ है और जस्ट रेगुलर चेकअप के लिए ही जाया करते थे और उनको इन टू मंथ्स चाय सेवा दे दी गुरु जी ने जब मेडिसिन मंदिर खुला तो संगत धीरे धीरे आके डेढ़ सौ तक पहुंच गई थी और वो अपने आप दूध भी लेके आते थे मसाला बनाते थे अदरक भी करते थे और अपने आप घरों के सत्संग में भी पूरा इन्जॉय किया सेवन ईयर्स तक और अम, मेरा भी साथ साथ गुरु जी ने छः महीने के अंदर अम, मेरे जो जॉब है उसमें एट 90 परसेंट ऑफ माई वर्क गुरु जी गिव इट टू समी एल्स और मेरी पेमेंट उतनी ही आती थी और मुझे जस्ट फाइव टेन परसेंट ऑफ वर्क करना पड़ता था ऐसी लंबी स्टोरी नहीं करूंगी बट दस दस वॉट ऑल गुरु जी ही हैव डन इट और अभी उसी दिन भी मेरे एक क्वेश्चन था कि जब मैं सत्संग में गई थी कि हमारी रिटायरमेंट कैसे होगी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे उनकी शादी हो जाएगी अभी तो बाकी है मेदा की बट जब मेरा वो क्वेश्चन था वो आज मैं देख रही हूँ कि गुरु ने वो सब कुछ जितना ज्योति अंकल का आता था वही वही पेमेंट आ जाता है वो उनकी तरीके होते हैं और कैसे करते हैं वो वही जानते हैं तो उन उन्होंने फाइनेंस भी ठीक किया और हेल्थ भी ठीक की और ज्योति अंकल के जैसे एक दो शॉर्ट में बताती हूँ कि आ, उनको ऐसे चाय बना के न, सत्संग में बैठे हुए थे कहीं पे और स्पीकर uh, के पास ही उनको जगह मिली थी तो स्पीकर की आवाज़ इतनी uh, उनको लगती थी कि बहुत लाउड है बट वो लाउड स्पीकर ही उनके बॉडी में उनको लगा कि जहाँ पे कैंसर था उसी जगह पे स्क्रैप हो रहा है ऐसा उनको फीलिंग आ रही थी उस टाइम कि कुछ मेटल uh, का स्क्रैप हो रहा है और Uh, उसके बाद हमें समझने आया कि गुरु जी यहाँ पे ही बैठ के ही ये जो भी शब्द चलते हैं उनके थ्रू ही आपकी जो भी है कष्ट हमारे क्लेंजिंग जो भी होती है वो करते हैं um, एक दिन उनको दिखाया कि uh, चाय बनाते थे और uh, गुरु जी को उन्होंने क्वेश्चन किया कि गुरु जी आप आते हो तो कहाँ से आते हो तो फिर आके यहाँ बैठ गए और um, किसी के घर के अंदर सत्संग था वहाँ पे बैठे हुए थे तो गुरु जी उनको दिखे कि एग्जैक्टली वो डोर के मेन डोर जहाँ से संगत आती है वहीं से आए बट इंस्टेड ऑफ़ कमिंग टू गद्दी वो गए किचन में और किचन में उन्होंने पहले चाय प्रसाद इन लंगर प्रसाद का इंस्पेक्शन किया दिस इज़ ज्योतिन इन अंकल्स वर्ड उन्होंने एक बुक लिखी है और अपने आप सत्संग भी किया है वो मैं बताती हूँ कि वो उनकी विजन है और उन्होंने देखा कि गुरुजी लंगर प्रसाद एंड चाय प्रसाद का इंस्पेक्शन करके उसके बाद गद्दी पे आए गद्दी पे बैठे और उनके दोनों हाथ ऐसे हैं और सभी संगत के अंदर से एक एक लाइट निकल के सब लाइट गुरुजी के हाथों में दोनों हाथों में चिपकी हुई बैठी हुई उन्होंने देखी और जब संगत ऐसे आ, कोई भागा दौड़ी भी कर रहे थे या चल भी रहे थे बट उनकी लाइट सबकी गुरु जी ने के हाथ में यहाँ पे चिपकी हुई थी और जब सत्संग ख़त्म हो गया तब ज्योतिन अंकल ने देखा कि सबकी लाइट गुरु जी वापस भेज रहे थे और ज्योतिन अंकल की लाइट को नहीं जाना था तो वो चिपकी हुई थी और वो गुरु जी ने ज़ोर से फिर उनको आ, आ, थोड़ा सा um, जोड़ करके वापस भेजा था इतना ही विजन था उनका आई डोंट नो वट आई थिंक दिस इज दिस इज मोर देन आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया बट एक ही और चीज़ बोलूँगी कि मैं जब ज्योतिन अंकल जा रहे थे Uh, तब uh, मैं एक साल से जस्ट गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी मेरे से कोई गायत्री मंत्र नहीं करवाया कोई मंदिर में नहीं गई जस्ट गुरुजी का मंत्र जाप ही किया और वो ही करने दिया और मेरे आँख में एक आंसू भी नहीं आने दिया था आज यहाँ पे बैठे हुए पता नहीं वो दो तीन साल के जो आ, भरे हुए थी वो यहाँ बैठ के निकली है वरना मैं समरसट मंदिर में भी जाती हूँ और किस बहुत सारे घरों के सत्संग में भी जाती हूँ बट ऐसी क्लेंजिंग मैंने अभी तीन सालों में नहीं हुई आज पहली बार यहाँ बैठे हुए सो so, अब मैं दिल से सेवादार और एवरी ईच एंड एवरी संगत का बहुत बहुत शुक्राना यहाँ बैठ के कर रही थी और गुरु जी सब पे मेहर करे और सबके ऐसे ही क्लेंजिंग करते रहे ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल uh, संगत परिवार थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर टुडे जय गुरु जी शिवा शिवजी सदासा ओम नमः शिवा गुरुजी सदासा